अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि नेक्स्ट म्यूटेशन कौन सी आने वाली है 1.5-2 साल तक, और इस पर आप दोस्तों ने किस तरीके से वर्किंग करनी है। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं कि हम इस बर्ड की किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, किस तरह से हम ये बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बर्ड कौन सा था? डाइल्यूट ऑपलाइन पेल फेलो बर्ड। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ इस बर्ड की वर्किंग शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से इस बर्ड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इस साल डाइल्यूट बर्ड लिए हैं, पेल फेलो बर्ड लिए हैं, और अगर वो इस बर्ड पे वर्किंग करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला इस सीज़न उनके पास स्प्लिट्स बन जाएंगे और नेक्स्ट सीज़न वो विजुअल डाइल्यूट ऑपलाइन पेल फेलो बर्ड प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे, और वही बेस्ट टाइम होगा जिस टाइम आप इस बर्ड को कैश करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ इस बर्ड की वर्किंग शेयर करूँगा कि आप किस तरीके से इस बर्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप दोस्तों को बता दूं कि डाइल्यूट और पेल फेलो ये दोनों रिसेसिव जीन के बर्ड हैं। अब रिसेसिव जीन किस तरह से काम करता है कि जब तक मेल फीमेल दोनों में ये ब्लड लाइन नहीं होगी, आपके पास विजुअल बच्चा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डाइल्यूट का मेल है, उसके साथ आप स्प्लिट डाइल्यूट लगाएंगे तो ही आपके पास विजुअल डाइल्यूट बर्ड आएंगे, या आपके पास स्प्लिट डाइल्यूट है उसके साथ आप स्प्लिट डाइल्यूट लगाएंगे तो ही आपके पास विजुअल डाइल्यूट आएंगे। अगर आप डाइल्यूट के साथ सादा बर्ड लगा देंगे तो आपके पास सारे स्प्लिट्स आएंगे। इसी तरह अगर आप स्प्लिट डाइल्यूट के साथ भी सादा बर्ड लगा देंगे तो आपके पास पॉसिबल स्प्लिट डाइल्यूट बर्ड आएंगे। और पेल फेलो में भी इसी तरह है कि पेल फेलो भी रिसेसिव जीन है। अगर आपके पास विजुअल पेल फेलो है, उसके साथ आप स्प्लिट पेल फेलो लगाएंगे तो आपके पास विजुअल पेल फेलो आएंगे, और अगर आपके पास स्प्लिट पेल फेलो है, उसके साथ आप स्प्लिट पेल फेलो लगाएंगे तो आपके पास पेल फेलो आएंगे। पेल फेलो के साथ अगर आप ब्लैकिश बर्ड लगा देंगे तो आपके पास सारे स्प्लिट बर्ड आएंगे, और अगर आप स्प्लिट पेल फेलो के साथ भी ब्लैकिश बर्ड लगा देंगे तो आपके पास सारे पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो बर्ड आएंगे। ये चीज़ आप दोस्तों को समझ आ गई। लेकिन ऑपलाइन सेक्स लिंक म्यूटेशन है। ऑपलाइन में मेल ही जीन कैरी करते हैं, मेल ही स्प्लिट होते हैं, और मेल ही आपको विजुअल ऑपलाइन बर्ड प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, फीमेल स्प्लिट नहीं होती। अब इन दो म्यूटेशनों को हमने आपस में पेयर अप करवा के बर्ड कौन सा प्रोड्यूस करवाना है, डाइल्यूट ऑपलाइन पेल फेलो बर्ड। अब इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। देखें, अगर आपके पास डाइल्यूट ऑपलाइन का मेल है या आपके पास पेल फेलो ऑपलाइन का मेल है तो आपका आधा काम आसान हो गया। आपने इनके साथ फीमेल कौन सी लगानी है? अगर आपके पास डाइल्यूट ऑपलाइन का मेल है तो उसके साथ आप पेल फेलो की फ़ीमेल लगा दें, और अगर आपके पास पेल फेलो ऑपलाइन का मेल है तो उसके साथ आप डाइल्यूट की फ़ीमेल लगा दें। अब इस पेयरिंग में से आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा? आपके पास जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे स्प्लिट ऑपलाइन, स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट पेल फेलो होंगे, और जितनी भी आपके पास फीमेल आएंगी वो सारी की सारी विजुअल ऑपलाइन होंगी, जो कि स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट पेल फेलो होंगी। अब यहाँ पर मैं कलर्स की बात नहीं कर रहा कि आपने ग्रीन सीरीज़ बर्ड लेनी है या आपने ब्लू सीरीज़ लेनी है, पार ब्लू सीरीज़ लेनी है। मैं सिर्फ आप दोस्तों के साथ वर्किंग शेयर कर रहा हूँ। आप किसी भी कलर पर वर्किंग कर सकते हैं। आप ग्रीन स्प्लिट ब्लू बर्ड भी ले सकते हैं, आप पार ब्लू बर्ड भी ले सकते हैं, आप ब्लू बर्ड भी ले सकते हैं। मैं आप दोस्तों को सिर्फ वर्किंग बता रहा हूँ। अब ये आपके पास बर्ड आ गए। अगर आपने इस तरह के दो पेयर लगाए हैं तो दोनों में से आपके पास सेम रिज़ल्ट आएगा, आपके पास स्प्लिट्स बन जाएंगे, और नेक्स्ट सीज़न जब आप इन बर्ड को आपस में पेयर अप करवाएंगे तो फिर आपके पास कौन सा बर्ड प्रोड्यूस होगा? देखें, आपका जो मेल है वो स्प्लिट ऑपलाइन, स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट पेल फेलो है, उसके साथ आपने फीमेल कौन सी लगाई, विजुअल ऑपलाइन, स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट पेल फेलो। इस पेयरिंग में से आपके पास विजुअल डाइल्यूट ऑपलाइन पेल फेलो बर्ड प्रोड्यूस होंगे 100%। अब एक तो पेयरिंग थी ये। अब जिनके पास ऑपलाइन बर्ड नहीं है वो दूसरी पेयरिंग किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास विजुअल डाइल्यूट ऑपलाइन या विजुअल पेल फेलो ऑपलाइन बर्ड नहीं है, आपके पास स्प्लिट ऑपलाइन बर्ड है, आपके पास डाइल्यूट स्प्लिट ऑपलाइन है, या आपके पास पेल फेलो स्प्लिट ऑपलाइन है, उसके साथ भी आपने इसी तरह की वर्किंग करनी है कि अगर आपके पास डाइल्यूट स्प्लिट ऑपलाइन का मेल है तो आप पेल फेलो की फ़ीमेल लगा दें। अगर आपको फ़ीमेलें ऑपलाइन में मिल जाएँ तो बेहतर है, अगर नहीं मिलती तो आप सादा फिशरी में भी लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने डाइल्यूट स्प्लिट ऑपलाइन का मेल ले लिया, उसके साथ आपने पेल फेलो की फ़ीमेल लगा दी, या आपने पेल फेलो स्प्लिट ऑपलाइन का मेल ले लिया और उसके साथ आपने डाइल्यूट की फ़ीमेल लगा दी। अब इस पेयरिंग में से आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा? आपके पास जितने भी मेल आएंगे वो सारे के सारे स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट पेल फेलो होंगे, और पॉसिबल स्प्लिट ऑपलाइन होंगे।
और साथ साथ आपके पास जो फीमेल आएंगी उसमें स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो होंगी वो सादा होंगी, और उसके साथ आपके पास ओपलाइन में भी फीमेल आ जाएगी, ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो। अब ये बर्ड आपके पास आ गए, अगर आपने दो पेयरिंग इस तरह की किया तो नेक्स्ट सीज़न आप इनको किस तरह से पेयर अप करवाएंगे, आपके पास जो मेल है स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो पॉसिबल स्प्लिट ओपलाइन, इसके साथ आपके पास जो फीमेल आई थी ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो इसको पेयर अप करवाना है। तो अगर आपका वो मेल क्लिक कर गया ओपलाइन, आपके पास विजुअल डाइल्यूट ओपलाइन पेल फेलो की फीमेल आ जाएगी। अगर वो मेल क्लिक नहीं करता ओपलाइन में तो आपके पास फिर भी डाइल्यूट बर्ड आ जाएंगे और आपके पास पेल फेलो बर्ड आ जाएंगे। तो ये वर्किंग है जिस तरीके से आप डाइल्यूट ओपलाइन पेल फेलो बर्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी के पास फीमेल ओपलाइन की हैं, अगर आपके पास डाइल्यूट ओपलाइन की फ़ीमेल है या आपके पास पेल फेलो ओपलाइन की फ़ीमेल है तो आपने किस तरीके से वर्किंग करनी है। देखिए, अगर आपके पास डाइल्यूट ओपलाइन की फ़ीमेल है तो आप उसके साथ पेल फेलो बर्ड लगा दें, और अगर आपके पास पेल फेलो ओपलाइन की फ़ीमेल है तो उसके साथ आप डाइल्यूट बर्ड लगा दें। अब इस पेयरिंग में से आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा, देखें मेल हमारा स्प्लिट ओपलाइन नहीं है ना ही विजुअल ओपलाइन है, और क्योंकि ओपलाइन सेक्स लिंक म्यूटेशन है तो हमारे पास विजुअल ओपलाइन तो बर्ड कोई नहीं आने वाला। हमारे पास बर्ड के आएंगे, हमारे पास जितने भी मेल आएंगे वो सारे के सारे स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो होंगे, और यही मेल हमारे काम के हैं। और हमारे पास फीमेल कौन सी आएंगी, हमारे पास फीमेल सादा आएंगी जो कि स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो होंगी। अब जब हम इन बर्ड को दोबारा आपस में पेयर अप करवाएंगे, अगर हमने दो पेयर इस तरह के लगाए, और ऐसी जब भी आप वर्किंग करें कोई दो पेयर ही लगाया करें क्योंकि आपने फिर उन बर्ड को आपस में पेयर अप करवाना होता है। तो आपने दो पेयर ऐसे लगाए, आपके पास रिजल्ट क्या है, आपके पास मेल आए स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो, और फीमेल आपके पास सादा आई जो कि स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट थी। जब आप इनको आपस में पेयर अप करवाएंगे तो आपके पास विजुअल डाइल्यूट ओपलाइन पेल फेलो की फ़ीमेल आ जाएंगी। तो ये भी वो वर्किंग है जो आप कर सकते हैं, जिनके पास फीमेल ओपलाइन की हैं वो इस तरीके से भी डाइल्यूट ओपलाइन पेल फेलो की फ़ीमेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।